आई थिंक वो एंटिसिपेशन है वो उससे भी अब जब देखेगा तो आप समझेगा कि वो और भी ऊपर होना चाहिए बिकॉज आई थिंक वी डिडंट एक्सपेक्ट कि ये इतना यू नो इट्स सो डिफरेंट होने वाला है बिकॉज वी डिडंट हैव गैंग लीडर्स एंड इट वाज लाइक यू नो एक्स रोडीज भी देखने को मिल रहे और हम नए भी है तो आई थिंक दैट ओवरऑल एक्सपीरियंस वो जो मिक्सचर था आई थिंक दैट वाज समथिंग व्हिच वाज ब्यूटीफुल No, and I really feel that it was the and I no I'm giving the credit right now. I think and the best part somewhere was that we had the X-Roadies to guide us on the journey also and otherwise also you know with the whole life experience and things like that. So I think that was the best part. Competition to sabke saath hai. It wasn't like sirf X-Roadies ke saath ya Nair-Roadies ke saath. We all have come here to win and to be roadies and to be in a journey and shine. So in that way, we all become competitive with each other. Lekin X-Roadies ke paas obviously they have experience, they know like shy twist yahan pe ho sakta hai, wahan pe ho sakta hai. So in that aspect, they were competitive, of course, and we are all like foreigners, you know, in the start. Yeah. You know, we felt like acha and then outsiders thoda sa. But at the end of the day, we're all roadies. But I think even though when we were outsiders, I don't think any matlab X-Roadies ne hum logo ko wo feel bhi karne diya ki कोशिश तो किया बट इट वाज इट्स नेचुरल यार लाइक नेचुरली शुरू में कूडोस टू यू गाइस फॉर किलिंग इट सो वेल लाइक हम जब अपने सीजन में आए थे वी टुक डेज टू लर्न द गेम एंड लीडर्स वर देयर टू गाइड अस वेल एंड दिस टाइम यू गाइस लाइक टुक बिट्स एंड टिट्स फ्रॉम अस एंड एस्ड एवरीथिंग सो गुड जॉब शुक्रिया जी आई थिंक थैंक्स टू यू जो रैगिंग थी वो भी बहुत हेल्दी रही है लाइक ऐसे इन्होंने कभी भी कुछ गलत नहीं करा हमारे साथ बहुत कुछ सीखने को मिला है गौरव भाई गौरव भाई सबसे सीनियर रहे एंड लाइक यू नो बहुत कुछ सीखने को मिला इन सबसे जितने भी एक्स रोडीज थे किसी ने क्रॉस नहीं करा बहुत खुशी वाला एटमोसफेयर था एक फैमिली थे हम सारे सो उस चीज का अभी ये झूठ बोल रहा है अरे भाई मेरे लिए तो ध्यान पड़े भाई अब नहीं नहीं आई थिंक एक बहुत अच्छा अमैलगमेशन था एक एक्सपीरियंस्ड लोगों का और एक फ्रेश एनर्जी का सो आई थिंक व्हेन जब ये दो चीज़ें साथ में आती हैं तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग रही है ये जर्नी आई थिंक सबके लिए नए और पुराने दोनों के लिए आई थिंक ये जो नए और पुराने का ये तो गेम का कॉन्सेप्ट है बट हमारे बीच में आई डोंट थिंक इतना कोई नया या पुराने का कॉन्सेप्ट था सो या आई मीन इट वॉज अ ग्रेट राइड यार हम साउथ अफ्रीका की सड़कों पर बाइक्स चला रहे थे वी आर डूइंग एडवेंचर एक्टिविटीज टास्क थे यू नो गेम थी तो रही बात कंपटीशन की तो जब जब कंपटीशन में आए हो देन यू बेटर बी कंपेटिटिव राइट सो दैट्स द पॉइंट सो साउथ अफ्रीका का सीन ये है कि एक तो द वेदर वेदर खुद में एक एडवेंचर है हर एक घंटे में सुबह शुरुआत होती है बारिश से फिर धूप हो जाती है और कड़क धूप मतलब कि यू नो हम बैठ नहीं सकते हैं उस धूप में फिर विंडी सो वो वेदर इन इटसेल्फ एक एडवेंचर था फिर उसके बाद बाइकों पे जाना You know, and South Africa, the best part is wherever you look, you know, around South Africa, आपको खूबसूरती ही मिलेगी. It's beautiful हर angle से. So I think वो बहुत मजेदार चीज़ थी about South Africa. I think even the sky, like every day कुछ नया color ही दिखता था. And ऐसे रहता ना जब तुम कोई phone में wallpaper देख लिया कोई movie का shot लग रहा है, तो ऐसे लगता था भाई तुम tent खोलो और तुम बाहर देखो और लग रहा है भाई तुम movie के अंदर ही बैठ गए हो. Exactly. अभी हम यही discuss कर रहे थे कि जैसे Bombay, दिल्ली इधर उठते हैं अपन सुबह उठते हैं तो बाहर जाते हैं तो यू नो वी सी स्ट्रीट डॉग्स कुत्ते बिल्ली दिखते हैं यहाँ पे वहाँ उठ रहे थे तो हमको जिराफ ज़ेब्रा सो यू नो दैट इज व्हाट यू कैन सी तो ये वो बहुत अलग था आई जस्ट वांटेड टू से लाइक कंपटीशन एंड द साउथ अफ्रीकन थिंग देयर इज अ मिक्स क्योंकि लाइक यहाँ पे सम पीपल हैव फॉट अमंगस्ट ईच अदर वी ऑल फॉट विद ईच अदर इन सर्टेन एंगल्स लेकिन यार व्हेन वी सी द व्यू South Africa, the weather, the views, sab dekhne ke baad, now we're like, sukoon, sukoon, shant, yeah, this is the asli jeet, asli victory humare liye, sab ke liye. That's the actual roadies feel, jiske baare mein hum baat karte hain, some of us have been, you know, very fortunate to have done this journey twice. End of the day, you know, jitne bhi manmutav hote hain, jo bhi game hai, jo bhi chal raha hai, kisi ki ladai chal rahi hai, koi kisi ko pasand nahi karta hai, but end of the day, jab aap ek journey saath mein karte ho na, to wo kahani, आप सब पीछे छोड़ के वो एक जर्नी साथ में करते हो सो आई थिंक ये 20 लोगों के लिए अलोंग विद सोनू सर एग्जैक्टली आई थिंक वही एक्सपीरियंस रहा है वी नो हाउ डिफिकल्ट द जर्नीज वी स्टार्ट रिस्पेक्टिंग
each other very much. We've learned from each other so much. We've gone through the same difficulties, and at the end, I personally respect each one of you, the new and the old ones, for doing this hard journey together. So good job. I mean, ये चीज सबने देखी होगी पहले की जितने भी seasons रहे थे और अभी के जितने रहे हैं. Promos के अंदर बहुत difference देखने को मिलेगा कि जो adrenaline rush इस बार के promo में है वो आप लोगों को खुद ही excited कर देगा कि नहीं यार मुझे तो देखना ही देखना है कि इसमें और क्या होएगा. ऊपर से सोनू सर के साथ एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंट रहा है. मतलब ऐसा लगा कि हर स्टेप पे यू आर लर्निंग समथिंग. इट्स नॉट लाइक कि आज के दिन आप यू आर फीलिंग बैड, आपको लग रहा है कि नहीं आप घर से बहुत दूर हो, कभी ऐसा फील नहीं हुआ. ही रियली टुक वेरी नाइस केयर ऑफ अस. और जब जब समोसे चाय एवरीथिंग वॉज टेकन केयर ऑफ. और साउथ अफ्रीका में थे सब, कहीं ना कभी एक मोमेंट आता है जब सबको एक होमसिक वाली फीलिंग आती थी, उस टाइम पे सोनू सर ने बिल्कुल कमी नहीं छोड़ी, बिल्कुल अपना अपना जैसे फील करा. आई थिंक एक बार के भी नहीं लगा कि नहीं कुछ मिसिंग. एग्जैक्टली, इट वाज लाइक कि कोई भी दिक्कत है यू कैन गो टू हिम एंड यू नो ही इज गोना फिक्स इट फॉर यू. इट वाज दैट फिक्स इट. सो टू थिंग्स दैट आई हैव पर्सनली लर्न फ्रॉम सोनू सर इज कंपैशन एंड एम्पैथी. बिकॉज़ 2 इयर्स वी हैव नोन लाइक यू नो हमारी पूरी कंट्री, इनफैक्ट पूरा वर्ल्ड was fighting the virus, and जो सर ने पूरे देश के लिए करा है was truly commendable. और आशा करता हूँ कि हम सब like वो आगे लेके जाएं वो quality हम सब में. And that's it, yeah. सारे ही हैं. बातों के सारे शेर हैं, but भाई को बहुत ज़्यादा बात करने का शौक है. अर्ष को मतलब हमको अगर कहानी बतानी है कि मैं खाना खा रहा था तो भाई साहब शुरू करते हैं. मैं सुबह उठा तो भाई मैं साउथ अफ्रीका और एडवेंचर होता है यार, तो मैं सब बताता हूं यार. अभी भी पॉइंट पे नहीं आया. सो यार कटिंग इट शॉर्ट, आई थिंक अर्श को बातें करना बहुत पसंद है, जो अच्छी बात है. आप देख चुके हैं सबके अपने अपने खबरी रहे हैं. आई थिंक हर कोई किसी ना किसी को जाकर गॉसिप दे रहा था, हर कोई किसी ना किसी को जाकर खबर दे रहा था. सो आई वुड से कि एवरीबॉडी हैड देयर डिटेक्टिव्स इन प्लेस. फूडी सबको टुवर्ड्स द एंड में खुद को बोलूंगी, पर उससे पहले आई वुड से बसीर. बट बसीर को खाना बहुत पसंद है. प्रैंकस्टर the showmakers, yeah. And I just feel like क्योंकि इतने अलग अलग टाइप के लोग आए हैं इस बार, अलग अलग एक्सपीरियंस के लोग आए हैं, तो हर किसी के लिए हाई पॉइंट्स थे और लो पॉइंट्स थे. तो किसी के लिए कोई टास्क मुश्किल था तो किसी के लिए कोई टास्क मुश्किल था. किसके लिए कौन सा टास्क मुश्किल था वो हम शो में देखेंगे. गाइस प्लीज, ओके गाइस प्लीज कीप वॉचिंग इनफिनिक्स स्मार्टफोन्स एमटीवी रोडीज जर्नी इन साउथ अफ्रीका एंड संडे. एंड यू वॉचिंग TOI. वी लव ई टाइम्स, राइट? वी लव ई टाइम्स. थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू एंड वी हैव हैड अ ग्रेट टाइम. होप यू गाइस हैव अ ग्रेट टाइम टू. थैंक यू सो मच रोडीज. अब रुकना नहीं.